इंदौर में उस वक्त लोगों का हुजूम लग गया जब सेंट्रल जेल की पानी की टंकी भरभराकर गिर गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इंदौर सेंट्रल जेल की पानी की टंकी को निगम द्वारा जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। निगम का कहना है कि ये पानी की टंकी से हालांकि कैदियों को पानी मिलता था, लेकिन अब ये जर्जर हो चुकी है और जेल की दीवार से सटे होने के कारण जेल की सुरक्षा में भी खतरा था और इसीलिए इसे ढहा दिया गया। और जब इसे ढहाया गया तो आसपास के इलाकों में आवाजाही पर रोक लगी रही। खासतौर पर राजकुमार ब्रिज की आवाजाही पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन जिस वक्त ये टंकी ढही तो वहां पर काफी लोगों का हुजूम लग गया, भीड़ लग गई। आपको ये भी बता दें कि इस टंकी से कैदियों को पानी मिलता था, जो अब टंकी जो है जर्जर हो चुकी थी। साथ ही जेल की दीवार से सटे होने के कारण जेल की सुरक्षा को भी खतरा था और इसीलिए इसको देर रात ढाया गया। वहीं आसपास के रहवासियों का मजमा देखकर जो है वहां पे पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर उनको दूर रहने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक।